चैनल, माय नेम इज़ अन्वेषा और आज मैं और एक कुकिंग रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ। आज मैंने बनाया है एग मलाई करी। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट और मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरा जो रेसिपी है इसका। तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि अभी मैं बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज लेके आ रही हूँ मेरे चैनल पे। लॉकडाउन पे कुकिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा, तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी एग मलाई करी। एग मलाई करी बनाने के लिए हमको जो चाहिए ये है जीरा पाउडर, दैट मीन क्यूमिन पाउडर, हाँ क्यूमिन सीड्स पाउडर, ये है रेड चिली का पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। और मेन चीज़ है बॉयल्ड एग्स, जिसको आपको हाफ हाफ ऐसे कट कर लेना होगा। और चाहिए ऑनियन एंड ग्रीन चिली, जिसका मैंने पेस्ट ऑलरेडी बना दिया है। और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब, और चाहिए मिल्क एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। बस चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस अभी शुरू करते हैं। मैंने गैस पे पैन ये बिठा दिया, इस पर अभी डालते हैं ऑयल। ये 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल है और मैं इसको राइस ब्रान ऑयल में बना रही हूँ ताकि इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आए, अच्छा आए। हो गया इतना सा ऑयल। अभी जब ये ऑयल गरम हो जाएगा तो हमने जो मैंने प्याज, ऑनियंस और ग्रीन चिलीज़ के मैंने यहाँ पे पेस्ट बना दिया है। तो अभी जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा देन हम ये पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब इसको आपको फ्राई करना है ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून के आसपास। और इसको भी हमको पकाना है और आपको ऐसे अच्छे से स्टर भी देना है और इसको पकाना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और ये पकने में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ताकि ये ऑनियन का जो रॉ स्मेल है वो भी चला जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका कलर अभी चेंज हो गया, ऑलमोस्ट ब्राउन है। अभी हमको गैस को कर दिया मैंने एकदम स्लो और अभी इस पर हमको मिलाना है मिल्क और इसको अच्छे से आपको मिलाना होगा ताकि कोई लम्प्स ना रहे। आप चाहो तो गैस इस टाइम गैस को बंद भी करके कर सकते हो, नहीं तो वो मिल्क फट जाने की चांसेस होती है। और नहीं करोगे तो गैस को एकदम स्लो करके इसको अच्छे से मिलाना होगा, ऐसे मिला दो। और इसमें ही हम अभी मिला देंगे और जो हमारा जो मसाला था, ड्राई मसाला पाउडर, अभी सबको इस पर अच्छे मिलाना होगा। अभी इस पर हम मिला रहे हैं ऑल द ड्राई मसालास। ये है क्यूमिन पाउडर 1 टेबलस्पून के आसपास, ये चला गया। ये है रेड चिली पाउडर, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये है गरम मसाला, ये भी 1 टेबलस्पून के आसपास। और जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी इसको हम अच्छे से मिला के इसको हमको पकाना है तब तक जब तक ना इसके सरफेस पे ऑयल आ जाए। जब इसका सरफेस पे ऑयल आ जाएगा देन आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पक गया है। अभी देखो इसके सरफेस पे ऑयल आ गया, इसके मतलब है ये हमारा पक गया। अभी हमको यहाँ पे अंडा को मिलाना होगा। सबसे पहले ऐसे करके आप मिला दो। हमारा जितना सारा अंडा है ये सब मिलाने के बाद इसको आपको फिर से 5 मिनट के लिए रखना है ऐसे ही। और 5 मिनट के बाद आके अंडा को आपको फिर से क्या बोलते हैं, साइड कर देना होगा, मतलब जो अभी नीचे है उसको ऊपर लाना होगा और जो ऊपर है उसको नीचे ला जाना होगा। तो ये हो गया, हमने मिला दिया अंडा। अभी इसको 5 मिनट होने देंगे और अभी इसको कवर करके हम छोड़ देंगे। अभी हम इसको उलट दे रहे हैं उस साइड को, देखो कैसे सरफेस पे पूरा ऑयल आ रहा है। अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और इसके ऊपर चला जाएगा हमारा जो फ्रेशली चॉप्ड हमारा धनिया पत्ता था, इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है। और ये स्प्रेड करने के बाद आपको 5 मिनट की रेस्टिंग टाइम देना है इसको, ताकि धनिया पत्ता अच्छे से इसका फ्लेवर अंडे के अंदर आ जाए। इसका हम अभी ढक्कन लगा के लीड को बंद करके 5 मिनट की स्टैंडिंग टाइम देना है। और ऐसे हमारा बनके तैयार हो गया एग करी।